दोस्तों, क्या हो अगर आपके घर में लगी खिड़की बिजली पैदा करने लगे? बिजली का बिल हो या फिर पावर सप्लाई, दोनों ही एक बड़ी आबादी के लिए आज भी समस्या बनी हुई है। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है ये ट्रांसपेरेंट सोलर टेक्नोलॉजी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्त। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, बिजली का बिल लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, इससे भी ज्यादा पावर सप्लाई पर निर्भरता दिक्कत है। कई इलाकों में पर्याप्त पावर सप्लाई नहीं है तो कहीं पर बिजली का बिल से लोग परेशान है। दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने में लगी है, ऐसे में ट्रांसपेरेंट सोलर विंडो एक अच्छा विकल्प हो सका है। यह सोलर पैनल घरों की खिड़की और बैल्कनी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी सभी तरह की समस्याओं को हल कर सकती है जहां से आपको पावर सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर बात करें सोलर सिस्टम की तो इस सेक्टर में हर दिन नए नए रिसर्च हो रहे हैं। गांव के घर हो या फिर शहरों की हाई रेंज बिल्डिंग, इन सभी जगहों पर घरों की खिड़की पर कांच का इस्तेमाल होता है। अगर इस कांच के जरिए हम बिजली पैदा कर सकें तो हमारा बिजली बिल कम हो सकता है। इसके साथ ही पावर सप्लाई के लिए हमारे पास एक और सोर्स मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे काम करता है। दोस्तों, खिड़की के कांच की बिजली सप्लाई की बात अभी आपको काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब सच होने वाला है। ये ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से खिड़की और बैल्कनी में आने वाली धूप का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। रिसर्चर ने इस सेक्टर में काफी ज्यादा काम किया है। इसमें ज्यादातर ट्रांसपेरेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि यह पैनल स्पेसिफिक यूवी और इंफ्रारेड लाइट वेवलेंथ को सोख लेता है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इस वेवलेंथ को एनर्जी में बदलकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को फोटोवोल्टेटिक ग्लास भी कहा जाता है। साल 2014 में मैशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर ने पहला पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर तैयार किया था, जो किसी ग्लास शीट या खिड़की को पूरी तरह से पीवी सेल में बदल सकता है। साल 2020 तक यूएस और यूरोप के वैज्ञानिकों ने 100% ट्रांसपेरेंट सोलर ग्लास तैयार कर लिया, जो हमें इस परिकल्पना के और नजदीक ले जाता है। हमारे लिए यह टेक्नोलॉजी बड़े काम की हो सकती है। आज के वक्त में लगभग हर जगह ग्लास का इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तो पूरी की पूरी दीवार ही ग्लास की होती है, जिस पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस तरह से हम बिजली से जुड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। जैसे कार्बन और दूसरी चीजों से होता है, वैसे इस टेक्नोलॉजी में नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी एक विन विन सिचुएशन होगी, जिसमें हम सूरज के यूवी से इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकेंगे और इसे घर के विंडो हो या फिर ऑफिस के शीशे की दीवार कहीं भी आसानी से लगा सकेंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आपको क्या लगता है कि इस न्यू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।